मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र निवासी एक मकान मालिक सुबह प्रतिदिन अपने मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं। शनिवार को वह प्रतिदिन की तरह अपने घर के सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। वहीं घटना की जानकारी लगते ही लोगों में डर फैल गया। टीपी नगर थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर में शुक्रवार देर रात मकान के सीसीटीवी में एक तेंदुआ कैद हो गया। शनिवार सुबह मकान मालिक ने सीसीटीवी चेक किए। सीसीटीवी चेक करने के दौरान तेंदुआ देखकर मकान मालिक के होश उड़ गए। तुरंत पुलिस व वन विभाग की टीम को सूचना देने पर अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने के लिए काबिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाने की भी तैयारी शुरू कर दी है ताकि नजर आते ही उसे कैद किया जा सके। उधर तेंदुए की खबर सुनकर स्कूलों को भी सतर्क किया गया है। थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर के सीसीटीवी में तेंदुआ कैद होने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि डर के मारे लोग घरों में दुबक कर बैठ गए हैं। शुक्रवार देर रात लगभग 2:30 बजे ज्वाला नगर के एक मकान के सीसीटीवी में पहले कुछ कुत्ते भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक तेंदुआ तेजी से गुजरता है। क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर दौड़ी, जहां वन विभाग की टीम को एक खाली प्लॉट में तेंदुए के पंजों के निशान दिखाई दिए। वन विभाग की टीम पंजों के निशान से तेंदुए की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रवासी तेंदुए को देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संभवतः तेंदुआ जंगल के रास्ते से घनी आबादी में घुस आया है। तेंदुआ सीसीटीवी के आधार पर वयस्क नजर आ रहा है। फिलहाल तेंदुए ने किसी भी आवारा जानवर का शिकार नहीं किया है, उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। सर, तेंदुआ मिलने की सूचना पर आप पहुंचे हैं, क्या पाया है? अभी स्टाफ ने 2 से 3 घंटे तक सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया है। आसपास के तकरीबन 1/2 किलोमीटर एरिया को ये लोग चेक कर चुके हैं। किसी भी खाली प्लॉट में या सीसीटीवी कैमरा में उसकी फुटेज अभी तक नहीं मिल पाई है। ये ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा। एसओपी के हिसाब से जो मूवमेंट और उसकी लोकेशन को ट्रेस करना होता है, उसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। लोगों को जो जागरूकता करनी होती है डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बताना होता है, वो भी स्टाफ के द्वारा किया जा चुका है। आसपास के लोग यहाँ पर काफ़ी मौजूद भी हैं, उनके साथ मेरी भी बातचीत हुई है। वो आशान्वित हैं कि ये चीज़ हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं अच्छे से चलाया जा रहा है। कोई इस तरह का कोई डर की भावना नहीं है यहाँ पे। फिर भी एहतियातन ये ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा। जब तक हम उसको ट्रेस या लोकेट नहीं कर पाएंगे, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तकरीबन कितनी टीमें लगाएंगे? हाँ, इसमें 2 टीमें हमारी लगी हुई हैं जो अलग अलग कार्य को कर रही हैं। एक टीम पूरा सीसीटीवी और लोगों को जागरूकता फैलाने में लगी हुई है। दूसरी टीम खाली प्लॉट्स, अबंडन बिल्डिंग्स, उनको ट्रेस कर रही है। उनको पूरा कॉर्डन ऑफ करके चेक किया जा रहा है कि वहाँ पर कोई बच्चे या उस तरह की कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट साइन मिल पाए हम लोगों को। एसओपी के तहत और जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है स्टाफ का और डॉक्टर साहब डॉक्टर आर के सिंह जो वन्यजीव विशेषज्ञ हैं, उनकी देख रेख में पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीसीटीवी चेक करी हो आपने, उसको क्या दिखाया? हाँ, केवल एक सीसीटीवी कैमरा जो जिसमें रिपोर्टेड हुआ है, उसी में उस जैसा वन्य जीव दिखाई दे रहा है कि ये लेपर्ड हो सकता है। एक जिन्होंने ये देखा है, वैसे भी एक युवक हैं जिन्होंने यहाँ पर देखा है कि क्लेम कर रहे हैं कि देखा गया है। उन दोनों सूचनाओं को हम आधार बनाते हुए इस पूरे ऑपरेशन को हम लोग चला रहे हैं।